नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली कुछ इलेक्ट्रिकल टॉपिक में अपना एक वीडियो डालता हूं, तो आज का टॉपिक है नट बोल्ट। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है कृपया इसे शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं अपने वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक नट बोल्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि व्हाट इज़ नट बोल्ट, मतलब हम नट किसे कहते हैं और बोल्ट किसे कहते हैं। तो अगर मैं इसको रिमेंबर करने के लिए एक सीधा सिंपल सा ट्रिक दूँ तो शायद आपको जल्दी याद हो जाएगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोल्ट की स्पेलिंग बड़ी है और नट की स्पेलिंग छोटी है। तो ये दोस्तों, ये रहा बोल्ट, चूँकि ये लंबा है, ठीक है, और ये आप अगर देखेंगे तो ये रहा नट। तो जो छोटा साइज़ में है, मतलब जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो नट है, जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो बोल्ट है। एक सिंपल ट्रिक मैंने दे दी है मेमोराइज़ करने के लिए कि आपको इजीली ये चीज़ें याद हो जाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो मूव कर रहा है ये स्प्रिंग वॉशर कहलाता है। इसमें एक हल्का सा कट रहता है, और जो पीछे ये मेरे उंगली के पास है ये है प्लेन वॉशर, ये प्योर प्लेन रहता है। तो ये जो स्प्रिंग वाशर है ये टेंशन को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है, और जो प्लेन वाशर है वो पीछे से प्रॉपरली फिक्स टाइट करने के लिए बोल्ट्स में नट बोल्ट्स के साथ लगाया जाता है। अब अगर मैं इस बोल्ट में बात करूं कि आप देख रहे होंगे कि ये है, एक तो ये हेक्सागोनल टाइप का, जैसे आप देख रहे हैं कि ये हेक्सागोनल इसमें है तो ये हेक्सा बोल्ट कहलाता है। दूसरा, अगर इसको मैं पास से आपको दिखाऊं तो आपको इसमें कुछ मार्किंग दिख रही है, ये जस्ट रुके मैं इसको प्रॉपर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 5.6 ग्रेड का समथिंग जीआई नट बोल्ट है, हॉट डिप जीआई नट बोल्ट है। और ये 5.6 का क्या मतलब होता है वो भी अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, मैंने जैसे ये बोर्ड में दिखाया हुआ है M8Y50, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ M8। तो अगर आप इस बोल्ट को देख रहे हैं तो जो ये डाया है, ये वाला डाया, ये 8 साइज़ का, मतलब 8 mm का होगा, और जो ये लेंथ है, ये लेंथ जो है वो 50 mm रहेगी। तो M850 का मतलब होता है कि जो ये डाया है ये 8 mm का है, और जो ये लेंथ है पूरी बोल्ट की लेंथ अगर मैं बोलूँ तो ये 50 mm की रहेगी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं M8Y50। ये देखिए दोस्तों, ये हेड से लगा के और यहाँ तक का 50 रहेगा। इसका जो मेन ये हेड है इसको मेज़र नहीं करा जाता है, कभी भी इसको मेज़र नहीं करते, केवल जो थ्रेडेड पोर्शन जहाँ तक है, मींस अगर ये हाफ थ्रेडेड है तो भी हमें ये इस हेड तक ही लेंथ लेनी है। और जस्ट ये हाफ थ्रेडेड का मतलब होता है आधे पोर्शन तक थ्रेड रहना, और फुल थ्रेडेड का मतलब ये पूरे हेड तक के पोर्शन में थ्रेड होना। तो ये जैसे फुल थ्रेडेड आपको दिख रहा है कि पूरे पोर्शन पे इसमें चूड़ियाँ बनी हुई हैं, थ्रेड का मतलब होता है चूड़ियाँ। तो ये आप देख रहे हैं पूरे पोर्शन पे, अगर यही यहाँ तक हाफ थ्रेड का मतलब होता है यहाँ तक आपकी चूड़ियाँ बनी होती और बाकी का सॉलिड होता तो ये कहलाता हाफ थ्रेडेड बोल्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने जैसे ये साइज़ देखी, अभी मैं इसका ये आपको 8 mm भी दिखाता हूँ कि 8 mm कैसे है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है 8 mm, तो M8Y50 का ये बोल्ट है जो मेरे हाथ में है। इसी तरीके से दोस्तों, हम ये बोल्ट के साइजेस मेज़र करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया ये। अब आता है M5.6 का क्या मतलब है। तो M5.6 का मतलब होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं जो फर्स्ट डिजिट होती है जिसको बोलेंगे 5 यील्ड स्ट्रेंथ, और जो 0.6 है वो कहलाती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो कि बोल्ट के ग्रेड को दर्शाने के लिए यूज़ की जाती है। और इसकी एक कैलकुलेशंस होती हैं जो मैं आपको इन फ्यूचर वीडियो में बताऊंगा कि ये यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। अब आता है बोल्ट साइज़ के हिसाब से हमें स्पैनर्स कौन सा यूज़ करना होता है। तो हमेशा ये ध्यान रख लीजिए कि जो भी हमारा बोल्ट साइज़ है, जैसे मेरा ये है M8, तो M8 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस 1, तो जो भी वो आ रहा है वो आपका स्पैनर का साइज़ आ जाएगा। तो जैसे 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस 1, तो M8 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 का मतलब हुआ ये आपका आएगा इसमें 12 एंड 13, मींस 12-13 का पाना जो है स्पैनर्स जो है
वो इसमें लगेगा। तो दोस्तों जब भी हमें किसी भी बोल्ट के लिए कौन सा स्पैनर लगना है तो हम उसका साइज देख के और उसमें 1.5 का या उसमें जस्ट हम क्या करेंगे कि उसका हाफ का प्लस हाफ प्लस करेंगे, तो जैसे ये 8 का था तो 8 प्लस 4 12 और ऐड कर देंगे 1 को तो 13, तो इसमें 12 और 13 का पाना जो है स्पैनर जो है वो यूज़ किया जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। तो ये इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड आउट कि हमें कौन सा स्पैनर्स लगेगा और कैसे हम इसकी साइजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपके पास अगर लेंथ है और आपको एक विजिबिलिटी टेप्स लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लस ग्रेड का भी मैंने बताया कि जितने हाई ग्रेड्स के रहेंगे और मतलब जितना 5.6 है तो इट इज़ मोर स्ट्रेंथ, उसके बाद उससे लेस जो होता है 4.8 होता है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ कैपेसिटीज को दिखाता है कि 5.6 में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, फिर 10.8 आते हैं, 8.6 आता है, तो दिस इज़ की उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। और इस स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन की अलग से मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपको ये सारी कैलकुलेशंस भी बताऊंगा कि कैसे ये कैलकुलेशंस होती हैं। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो नट और बोल्ट्स पे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।